Bismillah Rahmanir rahman ar-Raheem. Assalamu alaikum students of class 4. How are you? Hope you all are fine and safe at home and enjoying with good health. Student, this is your social study video lecture and I am your social study teacher Mrs. Asma Suril. Today is Thursday, 3rd June 2021. My dear little girls, today we are going to start our new lesson, lesson number 6, Geographical Regions. Today I shall give you only introduction of this unit. Lesson number six, page number twenty-five. On page number twenty-five, the name of the lesson is geographical regions. The area, is the areas that are similar in terms of climate, agriculture production, culture, and land type are geographically considered in one region. Once again, listen to me. The areas. एरियाज इलाके को कहते हैं सिमिलर एक जैसे सिमिलर एक जैसे टर्म शक्ल में क्लाइमेट आबो हवा क्लाइमेट आबो हवा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जरिए पैदावार मतलब वो जो हम फसलें ग्रो करते हैं जो हमारी जरा से रिलेटेड है कल्चर कल्चर हमारे रहने सहने और बोलने और पहनने के तरीके एंड लैंड ज़मीन टाइप आ जोग्राफिकल कंसीडर्ड इन वन रीजन एक इलाके में ये वहाँ के जोग्राफ जो है उससे रिलेट करता है अब वो इलाके जहाँ पे आबो हवा जरूरी पैदावार कल्चर आपके रहने सहने के तरीके सकाफत और ये सारी ज़मीन जो है इस तरह की उसको किसी एक ही खत्ते में ये सारी चीज़ें मौजूद हो तो वो जोग्राफ़िकल रीजन्स कहलाते हैं पाकिस्तान इज़ डिवाइड इंटू फाइव पिक रीजन्स पाकिस्तान को जोग्राफ़ी एतबार से पाँच रीजन्स में तकसीम किया गया पाँच बड़े रीजन् वो कौन कौन से पाकिस्तान में लटसी नंबर वन माउंटेन 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 आर द अमाउंटेंस क्या होते हैं हैव यू सीन द माउंटेन आपने पहाड़ देखे पहाड़ कैसे होते हैं माउंटेंस आर द हाई एरियाज ऑफ द अर्थ एंड माउंटेंस आर हाइयर दैन हिल्स अब आप माउंटेन और हिल्स की अगर बात करें तो माउंटेन्स जो हैं वो बड़े होते हैं माउंटेंस पर क्लाइमबिंग करना डिफ़िकल्ट है वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा स्टीपी और रॉकी होती है पॉसिबल नहीं है बट हिल्स जो हैं वो माउंटेन्स से छोटे होते हैं और हिल्स पे आप क्लाइम्बिंग कर सकते हैं द नेक्स्ट इज प्लन प्लेन मीन सादा बिल्कुल सीधी प्लेन मीन सीधी एंड दिस पार्ट ऑफ द लैंड इज़ कॉल्ड प्लेन इस ज़मीन के हिस्से को प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है एंड इट इज़ सुटल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र हो फर्टिलाइज़ होने की वजह से ज़रखेज़ होने की वजह से यहाँ पे फसलें उगाना पॉसिबल होता है और ये पंजाब और सिंध के इलाके में होती हैं कॉस्ट कॉस्ट इज़ द लैंड विच इज़ नियरेस्ट टू द सी अब समंदर के पास जो ज़मीन होती है ड्राई पार्ट होता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं और इस पार्ट को यूज़ किया जाता है और समंदर के थ्रू जो भी हम सामान फॉरेन कंट्री से लेकर आते हैं तो यहाँ पे एक पोर्ट बनाया जाता है बंदरगाह होती है और ये सारे काम यहीं पे होते हैं द नेक्स्ट इज डेजर्ट डेजर्ट इज़ द ड्राई पार्ट ऑफ द अर्थ ज़मीन का जो है सबसे खुशक हिस्सा है देर इज़ स्नो रेन और समटाइम वेरी लिटल रेन यहाँ पर बिल्कुल बारिश ना होने के बराबर होती है और कभी कभी बहुत थोड़ी सी बारिश होती है जिसकी वजह से क्या होता है द ट्रीज़ डू नॉट ग्रो हेयर यहाँ पर ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो नहीं करते क्योंकि बारिश नहीं है पानी नहीं है तो उनको ग्रोइंग के लिए वाटर की ज़रूरत होती है और अगर यहाँ पे ट्री ग्रोस नहीं कर रहे नो वेजिटेशन no कोई यहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो रही तो यहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं है इसलिए यहाँ पे ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती प्लेटो प्लाटो इज़ द हाईअ पार्ट ऑफ द अर्थ माउंटेंस की तरह प्लेटोस भी जो हैं वो हाई होते हैं ज़मीन से ऊपर ऊंचाई की तरफ होते हैं काफ़ी हाई होते हैं लेकिन माउंटेंस uh, जो हैं वहाँ पे वहाँ की जो uh, uh, आ, आपको ऊपर चढ़ने का जो रास्ता है वो स्टीपी और रॉकी होता है पॉसिबल नहीं होता माउंटेन्स के ऊपर चढ़ना बट प्लेट्यूड जो होता है ज़मीन से ऊपर होता है बट इसका टॉप जो है वो टेबल की तरह बिल्कुल प्लेन होता है तो यहाँ पर सर्वाइव करना पॉसिबल है student uh, this is the introduction of the five big regions of uh, the of pakistan now in our next video lecture we will uh, read uh, these uh, big regions in uh, details okay uh, take care of yourself allah